हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज 14 मई है और आज गोवा में बहुत ही बारिश हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी मैं वालपोई में हूँ 70 में, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इधर ऑलमोस्ट अभी बारिश हो गई है। सब हरा भरा लग रहा है आपको, सब पेड़ पौधे वगैरह सब, और फिर भी अभी बारिश जारी है। और आप देखिए थोड़ी सी बारिश जारी है। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं एक टॉपिक लूँगा, सिंपल सा टॉपिक है और आप देख सकते हैं ब्लॉग, ठीक है। तो आजकल की जो गाड़ियाँ आती है जिनमें टॉप मॉडल्स होते हैं, उनमें आपको एलॉय व्हील्स या फिर आप मैक व्हील्स वगैरह कह सकते हो, जो डायमंड कट हो या फिर ऑन कॉन से भी, तो वो तो अच्छे हैं। पर जो बेस मॉडल या फिर सेकेंड वेरिएंट वगैरह आते हैं, उनमें आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये XUV500 गाड़ी है, तो ये W6 वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, इसलिए इसमें एलॉय व्हील्स नहीं है। इसमें आप जो व्हील कवर्स है वो देख सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, क्या हुआ, ये जो गाड़ी है इसमें व्हील कवर्स थे चारों व्हील्स पर, और अभी आप अगर ये देखोगे ये पहिया, तो इसका व्हील कवर ऑलमोस्ट खो गया है और पीछे का है व्हील कवर। तो अगर आप इधर से गाड़ी देखें तो डायरेक्टली आपको पता चलता है कि पीछे तो व्हील कवर है और इधर से गाड़ी का व्हील कवर नहीं है। तो कई लोगों को ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि मे बी गाड़ी का टायर पंचर हुआ होगा, इसलिए हमने जो स्टेपनी का टायर लगा इसलिए हमने व्हील कवर नहीं लगाया, हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब हमारी गाड़ी पंचर वगैरह होती है और हम दूसरा टायर थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस करते हैं, तो हम व्हील कवर नहीं लगाते, ऐसे ही टायर लगाते हैं और बाद में वो टायर का पंचर निकालने के बाद गाड़ी का टायर फिर से लगाते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये जो व्हील कवर है इसमें व्हील कवर खो गया है, और इस साइड का भी वैसा ही हुआ। इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते इधर का भी खो गया ऑलमोस्ट, और पीछे का व्हील कवर है। तो ये व्हील कवर जो खो गए हो वो फिर से नहीं ला सकते, हमें नया ही लाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज जो मैं बता रहा हूँ उससे हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका अगर ऐसा कुछ व्हील कवर वगैरह खोना का चांस है तो उससे आप बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है, इसको हम टाई भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ वायर्स वगैरह कुछ काम करते हैं वायर्स का वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है। मतलब आप इसको केबल टाई भी बोलते हैं, जो CCTV के वायरिंग वगैरह होती है या फिर कोई भी घर में वगैरह वायरिंग होती है उनको हम ये यूज़ करते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर से डाल के आपको लॉक करने को मिलता है, और एक बार ये जब लॉक होता है वो आप फिर से खोल नहीं सकते, आपको एक कट करके निकालना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अभी आप अगर ये देखोगे जो गाड़ियों में व्हील कवर्स और ऐसे नॉर्मल टायर्स होते हैं जिनमें एलॉय व्हील्स नहीं होते हैं, इनमें ये जो डिस्क रहता है कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड स्टे ट्यून्ड।